स्टॉक मार्केट से लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं, कारण क्या है? लेकिन फिर डर किस बात का है? डर है बहुत सारे स्कैम, बैंकरप्टी, बैंकरप्सी हो गया, कोई कंपनी गिर गई, खत्म हो गई, उसमें आपने पैसा लगा रखा था तो डर के मारे लोग। और दूसरी प्रॉब्लम क्यों होती है, लोग काफी बार शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कई लोगों में यू नो धैर्य नहीं होता, पेशेंस खो देते हैं, मैंने मुझे आज पैसा लगाया मैं कल तक डबल हो जाना चाहिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यही है, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में ये स्टोरियाँ सुन के आते हैं, ओहो उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन समय लगा भाई, रातों रात नहीं हुआ। तो कोई भी चीज़ ना इंस्टेंटली नहीं होती है, यू हैव टू वेट। और शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा लगाता है फिर वो सोचता है मेरा लॉस हो गया, गलती है आपकी, आप शॉर्ट टर्म के लिए क्यों लगा रहे हो। कभी कभार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक, ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा मत लगाओ, इसमें टेंशन हो जाए। 20% घना ही, आपकी इनकम का 20% इज मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा पैसा मत लगाओ, ठीक है। और दूसरा, ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जो कि जिसके फंडामेंटल आपको पता नहीं है, पेनी स्टॉक्स हैं, कोई मालूम नहीं है वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, किसी ने बता दिया, आपने लगा दिया, रिसर्च भी नहीं करी। और एक ही कंपनी में पैसा लगाने भी गलती होती है, बहुत लोग एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, वो भी गलत बात है, समझ में आ गया। तो इन वजह से लोगों में डर होता है, क्योंकि यहां से लोग पैसा गंवाते हैं, बैंककरप्सी की वजह से लोग पैसा, मतलब कोई कंपनी बैंककरप्ट हो गई, गया पैसा, शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे तो गया पैसा, एक ही कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल गलत बात है, वो कंपनी डूब गई तो गया पैसा, या ज्यादा अमाउंट लगाना वो भी गलत बात है, 20% लगाना चाहिए, उसके अलावा पुअर रिसर्च होगी तो आप वैसे ही जाओगे। तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कंपनी को लेकर।